श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितं आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। सायं प्रातरुपासीत गुरुवग्न्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्धे च यतवा जपन् ब्रह्मसमाहितः। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। गुरु जी जब बुलाएं तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लाए और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान, एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। यह सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर
गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगाएं, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार इत्र फुलेल चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक, महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना ज्योते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्य फल फूल आदि मिलने लगें तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडल, मृगचर्म, दंड, वलकल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि वह 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे नहीं कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को
अपने आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन कर ले। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पेब आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रियों को जल में, और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिदवस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।